अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो है सुबह मॉर्निंग, हल्की हल्की बारिश हो रही है और आज हम जा रहे हैं, आप गैस करें हम कहाँ जाएंगे। थोड़ा सा रूट दिखाएंगे, आज आपको बताएंगे नहीं पहले ही, तो थोड़ा सा सस्पेंस में रखते हैं और दिखाते हैं आपको, आप समझिए कहाँ जा रहे हैं हम। हेलो भाई, आ चुके हैं हमारे साथ ही, आइए। अस्सलाम वालेकुम जी सर। तो सीट हमने कर ली है चेंज, आगे सीट रिजर्व है गोला भाई की, हम चल रहे हैं अब। चलिए यार, शादाब भाई, जो तुम्हारी यौन बहुत ही ज्यादा भूखी होती जा रही है, इतना जो है ना दिमाग खराब नहीं खा गई क्या गाड़ी आ जाती। मैं ये तो कह रहा, यो बदतमीज हो रही, जहाँ भी पेट्रोल पंप देख के वही जो है खिलाओ खिलाओ। मैं बता दिया, चार गाड़ियों के पैसे खा गई हो। हाँ, अभी से बदलूंगा सुसरी खुले पैसे। हाँ सही बात है, लो छोड़ूंगा सुसरी। यो यौन जो है बहुत ही नंगी है हमारी, बदतमीज है, यो भूखेड़ है, जहाँ पेट्रोल पंप देख कर लग जा बस। है लो, तो यौन कह रही थी 200 नहीं 500 का चाहिए मुझे। तो चलिए डला रहे हैं तेल और चले। लो सर, तो ये हो रही है चार्ज हमारी ऑन। अच्छा बेहोश से स्मूथ मत वीडियो आख, हाथ पर दीजिए नजर नजर अच्छा जी। होत नजर, होत नजर, माता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं यार, ये समझ में तो कुछ। बोला भाई, जब कश्मीरी भाषा बोलते बड़ा मजा आता है। वल खदीदी, वल खदीदी, अल खबी, पता नहीं नकरजी फोन, नकरजी फोन, नकरजी करते थी, पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं खाला पार्क से बाहर मीनाक्षी चौक पर, और दोनों भाई उतर गए हैं, गाड़ी कर दी है पार्क। चलिए लेते हैं, यहाँ पर राइट हैंड पर है मकबूल बिरयानी और उधर है सईद। तो दोस्तों हमारे पीछे इधर है मकसूद बिरयानी तारी, और उस तरफ है पल्ली साइड में सईद भाई की। यहाँ तो हमने मकबूल भाई की तो चेक की है, इधर चल रहे हैं सईद भाई की तरफ। तो हम मौजूद हैं मीनाक्षी चौक। दोस्तों मुजफ्फरनगर की तारी बहुत ज्यादा मशहूर है, और हम इस वक्त पहुंचे हैं सईद चिकन पॉइंट पर, और यहाँ पर है तारी एंड बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो देखिए गर्मा गर्म तारी खड़े हुए हैं जावेद भाई, तारी तारी हमारी तारी हो रही है, और तीन प्लेट होगी हमारी, तीन भाई हैं। देखिए ये तुल रही है, तो दोस्तों ये है हमारी प्लेट, ये है हाफ के जी, कितने की है? आधा किलो, 100 रुपए की। ये देखिए यहाँ पर है सिटिंग का इंतजाम किया गया है। चलिए इधर बैठते हैं, माशाल्लाह। सईद भाई की ये मुजफ्फरनगर की तहरी, करते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, आलू डाल लेते हैं, कलकत्ता बिरयानी की तरह आलू है। कलकत्ता बिरयानी जो होती है कलकत्ता वाली, उसमें भी आलू डाले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये उसी स्टाइल में है? उसी स्टाइल में। तो भोला भाई का चूंकि ताल्लुक खाने से है, बिरयानी का दम है, तो बता रहे हैं कलकत्ता में डलता है आलू। तो चलिए फिनिश करते हैं और मिलते हैं फिनिश करने के बाद। भाई आज तो वो हो गया कि जो रोया पिछलों को रोया, सही से बेहतर तो मकसूद ही है। हम गए थे कुछ अच्छे टेस्ट के लिए, लेकिन मजा नहीं आ पाया। दोस्तों तहरी खाने के बाद पहुंचे हैं शाहजी स्वीट्स पर, और लेंगे यहाँ पर चाय। ऑर्डर दे दिया चाय का? अच्छा, कैसे हैं? ये तो रसगुल्ले भी अच्छे लग रहे हैं देखने में यहाँ पर, माशाल्लाह। तो चाय से पहले ले रहे हैं हम यहाँ पर रसगुल्ला और बालूशाही। दोस्तों शाहजी की एकदम कड़क गर्मा गर्म चाय आ गई है, लेंगे अब हम चाय। ये है तो शाहजी स्वीट पर ये गर्मा गर्म चाय लेते हुए। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, तहारी और बिरयानी जितनी अच्छी थी ना, उससे कई गुना ज्यादा जो है ये चाय है, माशाल्लाह। उसकी कमी चाय ने दूर कर दी है। तो बोलिए, ताज ताज से भी अच्छी लग रही है चाय, बढ़िया चाय, अच्छी है। दोस्तों आपने क्या सोचा कि हम मुजफ्फरनगर तक आए? नहीं, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम निकल चुके हैं मुजफ्फरनगर से मेरठ वाले बाईपास की तरफ। आप गैस करें हम कहाँ जा रहे हैं आज। दोस्तों बैठे बैठे बोर हो गए हैं, हम इस वक्त चल रहे हैं 709 AD हाईवे पर। तो आप इस
हाईवे नंबर से भी पहचान सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा जो है गोला भाई की शेरो शायरी सुनते हैं और थोड़ी सी अपने अंदर ऊर्जा पैदा करते हैं। भाई इरशाद कि कहाँ से इब्तिदा की मैंने, कहाँ से इब्तिदा की मैंने, इब्तिदा की मैंने कहाँ जाना नहीं मालूम, और सफर जो तय किया मैंने सफर बाकी नहीं मालूम, और ये दुनिया एक नुमाइश है, रंगा रंग सब रंग है इसमें, क्या बात है, मैं किस में रंग में शामिल हूँ नहीं मालूम। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। क्या कह दिया तुमने? जवाब जवाब नहीं। तो दोस्तों ये शहर है मौलाना हाली का, मौलाना आफ्ताब हाली एक बहुत बड़े पोएट्री शायर भी थे, तो यहाँ पर उनका कई मजार भी है। तो यह है पानीपत की बहुत मशहूर मार्केट जहाँ पर तरह तरह के कवर हैं, लिहाफ है, पर्दे हैं, बहुत खूबसूरत मार्केट है, होलसेल मार्केट है। तो दोस्तों हम इस वक्त हैं मार्केट में, मुस्लिम और लग गई है भूख, देखते हैं कुछ मिल जाए तो खाने के लिए। दोस्तों यह है असल पानीपत, हम बिल्कुल सिटी में हैं इस वक्त और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भीड़ भाड़ में गुजरते हुए। यहाँ से जो है हम चल रहे हैं कहीं खाएंगे खाना, इधर मंडी है और ये सामने जा रहा है बाहर शामली रोड। दोस्तों ये रोड है गंदा नाला इसको बोलते हैं, और दोस्तों हम जो चल रहे हैं इस वक्त वो चल रहे हैं नाले वाले रोड पर, और ये है पुराना पानीपत जो असल है ना वो ये है। तो दोस्तों काबुली बाग मस्जिद पानीपत, तो ये है उस तरफ आप देख रहे हैं वहाँ सामने, चलिए देखते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं काबुली बाग मस्जिद जो इस तरफ है, देखिए ये रही इस तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों ये है मेन एंट्रेंस इस काबुली मस्जिद का, देखिए ये थोड़ी सी जो है बाहर का व्यू गेट, और सामने है काबुली जामा मस्जिद। चलिए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं यहाँ के व्यू, ये इसका थोड़ा सा जो है ग्राउंड है और सामने है मस्जिद। चलिए तो जेल से रिहा हो चुके हैं हमारे गोला भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? इन्हें मैं मजाक कर रहा हूँ, एंट्री कर चुके हैं मस्जिद में, चलिए चल रहे हैं और दिखाते हैं काबुली ऐतिहासिक मस्जिद। तो दोस्तों एक ये छोटा सा यहाँ पर गार्डन पार्क कह लीजिए मस्जिद का, और सामने ये जो है एक खूबसूरत सा गेट, और ये इसकी बाउंड्री है और ये गुम्बद बने हुए हैं। देखिए माशाल्लाह यहाँ पर जो है कुछ आयतें लिखी हुई हैं ऊपर की तरफ ये, और अल्लाह मोहम्मद यहाँ पे माशाल्लाह वगैरह। तो हालांकि ये गेट बंद है देखिए, तो हम इंशाल्लाह जो है दूसरी तरफ से चलेंगे अंदर को। चलिए इब्राहिम लोधी पर जब विजय पाई थी बाबर ने, तो उसी उपलक्ष में ये जो मस्जिद है काबुली बाग मस्जिद इसका निर्माण कराया था बाबर ने। तो इसका निर्माण जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने और भी तमाम मस्जिदें हिंदुस्तान में बनाई थी, उसी में से जो है एक ये जब विजय पाई थी इब्राहिम लोधी पर और यहाँ जो है उनको हराया था, तब उसके उपलक्ष्य में यानी उसकी खुशी में ये मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। यह पानीपत की काबुली बाग मस्जिद। दोस्तों पानीपत जो है वो मौलाना अल्ताफ हालवी का शहर है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और यहीं पर उनकी जो है कब्र है। यहाँ पर एक चबूतरा सा बना हुआ है ये देखिए आप, और बस यही एक तरीका है अंदर जाने का, चूंकि गेट बंद है यहीं से जो है हम एंट्री कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं, यह है काबुली जामा मस्जिद देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बीच में है एक हौज नुमा जहाँ पर वजू कर सकते हैं शायद, और यह है मस्जिद की चारों तरफ की बाउंड्री। मस्जिद पूरी तरह बंद है, कुछ लड़के ऊपर है गुम्बद पे आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं इस वक्त हूँ बाउंड्री पर, और चढ़ने का कोई और साधन तो है नहीं, यहाँ पे कुछ कब्र है और वहाँ बच्चे खेल रहे हैं मस्जिद के सहन में कुछ स्पोर्ट्स। दोस्तों पानीपत के इतिहास में बहुत ज़्यादा मशहूर है जो तीन जंगें यहाँ पर हुई है। यहाँ पर जो है इब्राहिम लोधी जो सुल्तान थे दिल्ली के, बाबर ने जब अटैक किया तो इस सल्तनत को ख़त्म करने वाले बाबर थे, तो वो जंग जो हुई थी वो हुई थी
21 अप्रैल 1526 को वो जंग हुई थी। इसके अलावा एक और जंग हुई थी 1556 में और एक जंग हुई थी 1761 में। तो तीन जंगें यहाँ पर जो है हुई हैं और बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है पानीपत की। चूँकि यहाँ पर लोधी जो थे, इब्राहिम लोधी, उनका यहाँ कब्ज़ा था, तो बाबर ने उनको हरा करके फिर कब्ज़ा किया था यहाँ पर। तो वो जंग पहली जंग हुई थी पानीपत में। यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस है और इस मस्जिद की ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बहरहाल लग बहुत खूबसूरत रही है, काबुल जामा मस्जिद। तो दोस्तों, ये मस्जिद के सहन में दो कब्रें हैं, मालूम नहीं किनकी है, और ये है यहाँ की जामा मस्जिद। हालत तो इसकी थोड़ी सी जो है जर्जरी हो रही है, मैं थोड़ा सा अंदर के व्यू आपको दिखाता हूँ। और ये है वो हौज जहाँ पर शायद वजू वगैरह के लिए पानी हुआ करता था। तो ये है सामने मेहराब, देखिए माशाल्लाह। तो इसकी बनावट और अंदर जो है माशाल्लाह, देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है, अरबी में कुछ लिखा हुआ है, ज़्यादा ख़ास समझ में नहीं आ रहा, मस्जिद तकफ पता नहीं क्या है। ये मेहराब है यहाँ की, मेहराब के बराबर से एक ये शायद हुजरा है, देखिए, और एक हुजरा उस तरफ है। तो ये है मेन मस्जिद की जगह, और इस तरफ भी कुछ, अच्छा हाँ, ये भी मस्जिद का हिस्सा है, ये पूरी मस्जिद है, देखिए मेन हिस्सा वो है मस्जिद का, और यहाँ से बंद है गेट। तो मेन हॉल ये है मस्जिद का, और इस तरफ बाहर की तरफ चलेंगे हम, मस्जिद के राइट तरफ चलते हैं हम, लेफ्ट साइड। तो ये देखिए ये गेट है, वहाँ से वो सामने मेन गेट है, और इस तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत डिज़ाइन, मैं दिखाऊँ आपको, देखिए देखिए माशाल्लाह ये खूबसूरत, ये छोटी छोटी सी ईंटें हैं, और ये ताक जिसको बोलते हैं आम भाषा में, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। तो इसकी यहाँ शायद लिंटर गिर चुका है, देखिए इधर का हिस्सा, ये पिलर हैं जिनका लिंटर गिर चुका है शायद। ये भी मस्जिद का हिस्सा है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, देखिए। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर इसकी रख रखाव कर रखी है शायद, लेकिन ये इसका लिंटर गिर चुका है। तो दोस्तों, ये है काबुली शाही जामा मस्जिद, पानीपत की पहचान। गवर्नमेंट ने हालांकि इसकी साफ़ सफाई, इसका मेंटेनेंस बहुत खूबसूरत लग रहा है, अंदर नमाज वगैरह इसमें होती नहीं है, बंद है बिल्कुल, लेकिन इसको जो है, जो बाकी इसके जो है स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। अपने वक्त में ये मस्जिद बहुत ही ज़बरदस्त होगी, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत ही जो है मज़ा आ रहा है यहाँ पर, सुकून सा मिल रहा है देख करके इसके स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को। बहुत बड़ी और अच्छी वसी मस्जिद है माशाल्लाह, हालांकि बंद है ये, इसमें कुछ नमाज वगैरह नहीं हो रही है, लेकिन लग बहुत खूबसूरत रही है। तो दोस्तों, ये है काबुली जामा मस्जिद, जो इस वक्त मैं इसके सहन में खड़ा हुआ हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ के व्यू हैं, हालांकि यहाँ पर जो है नमाज वगैरह तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ का रख रखाव, यहाँ की सफाई की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतर अंदाज में इसको जो है, पानीपत की पहचान को यहाँ पर जो है बचा के रखा हुआ है इस धरोहर को। तो ये थी हमारी कुछ व्यू पानीपत काबुली मस्जिद से। तो दोस्तों, गेट तो बंद था, आप लोगों को दिखाने की खातिर दीवार से कूद कर हम चढ़े थे यहाँ पर मस्जिद के अंदर, तो जावेद भाई, गोला भाई नहीं चढ़ पाए। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम आना हुआ है यहाँ पर पानीपत। तो ये जो है शायद उत्तर की तरफ मुस्लिम एरिया है, ये आगे जो जाएंगे, जब पूरब साइड में जब जाएंगे तो उस तरफ जो है नया पानीपत जिसे कह सकते हैं, लेकिन ये पुराना पानीपत है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तो गंदे नाले से होते हुए आते हैं, ये चल रहे हैं वापसी, और घूम चुके हैं ये काबुली बाग मस्जिद। दोस्तों, ये है छोटू राम चौक जहाँ हम इस वक्त हैं, ये है छोटू राम चौक का बाजार। मगरिब की अजान हो चुकी है, तो
तो दोस्तों ये है पूरा मुस्लिम एरिया यहाँ पर पानीपत में, गंदे नाले इस साइड में। तो अभी हम चल रहे हैं कुछ लेंगे खाना यहाँ पर। तो दोस्तों ये है कुछ मुस्लिम एरिया और इधर है कहीं मुस्लिम होटल वगैरह एक ये है। चलिए देखते हैं कुछ दोस्तों, देख रहे हैं कोई बेहतर सा रेस्टोरेंट मिल रहा है खाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद सब तक कुछ नहीं किया है। तो अभी देख रहे हैं कोई रेस्टोरेंट मिल रहा है ठीक ठाक सा, जहाँ बैठ करके जो इत्मीनान से रूह और पेट दोनों भर जाए। सर जी, तो दोस्तों हम पहुँचे हैं इस वक्त आमिर कॉर्नर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन की आइटम है, उधर रोटी बन रही है और यहाँ पर काउंटर में रखा हुआ है खाना। जी सर, दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर और इस वक्त हम खड़े हुए हैं हाजी बशीर साहब की दुकान के बाहर। तो इंशाल्लाह यहां पर जो है पाए निहारी और कबाब। तो हम पहुंच गए हैं पानीपत से मुजफ्फरनगर और लेंगे अब डिनर। तो दोस्तों ये है हाजी बशीर साहब की दुकान, इस तरफ है पाए और यहां पर है निहारी, तारीख खत्म हो चुकी है और उस तरफ है कबाब। तो गोला भाई हम पहुंच गए हैं इस वक्त हाजी बशीर साहब की शॉप पर खाला पार। तो दोस्तों हमें इस वक्त काउंटर पर ऑर्डर दिया है हमने निहारी और कबाब। तो इस वक्त है खाला पार मुजफ्फरनगर। रोटी लाना भाई, करारी करारी पापड़ जैसी पेट में वो करती है, भूख है तो डाइजेस्ट लेट होती है। तो कड़क रोटी के साथ कबाब। और कौन है ये शख्स, कौन है ये शख्स? अब दियो लेना। तो दोस्तों आ गया हमारा ऑर्डर, कबाब है और ये पाए हैं और निहारी और कड़क रोटी। माशाल्लाह हम इस वक्त हैं हाजी बशीर साहब के यहाँ, बहुत ही मशहूर और टेस्टी। तारी भी लेनी थी हमें, तारी खत्म हो गई है। बहुत ज्यादा मशहूर है यहाँ पर कड़क पार्क में यहाँ की तारी, अफसोस बहुत मिल नहीं पाई। सुबह हमने बेकारी तारी यहाँ आना था सुबह पार्क। भाई कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और आज ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं हाजी बशीर का खाना? जी जी, तो नगर में पहली बार ले रहे हैं। कैसा रहा सर? बहुत शानदार है, कबाब भी, शरारी भी जी, पाया भी। आजाद से अच्छी है ना? जी जी, उन्होंने लूट लिया। तो चलिए करते हैं फिनिश, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों खाना हम ले चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर नहारी पाए और स्पेशली कबाब। तो चलिए चलते हैं, खाना हम ले चुके, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अगर आप आए खाला पार्क में तो हाजी बशीर जी के यहाँ ज़रूर एक बारी चेक करें। तहारी हमें मिल नहीं पाई, बहुत टेस्टी तहारी होती है। खाना खाने के बाद माशाल्लाह देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन कितनी ज़बरदस्त है हाजी इस्माइल साहब की, ये शॉप है और बहुत ही ज़बरदस्त ले रहे हैं। गोला भाई क्या है ये पेड़ा? तिलबुगा ले रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह। तो हाजी इस्माइल साहब की दुकान ये हाजी बशीर से थोड़ा सा आगे को, जब जामा मस्जिद की तरफ को चलेंगे खाला पार्क में, वहाँ पर ये शॉप है। तो तिलगोजा लिया है हमने, देखते हैं चेक करते हैं फर्स्ट टाइम। दोस्तों ये है तिलगोजा, चेक करते हैं कैसा है। जैसे हमारे यहाँ बर्फी होती है उस टाइप में है ये, सेम उस जैसा। तो भाई गोला जी सर कैसा रहा है? टेस्ट बहुत शानदार है, तिलबुगे है ये। अच्छा तो हजरत क्या रेट होता है? 480 रुपए किलो बता रहे हैं। हाजी इस्माइल साहब की शॉप है खाला पार्क में, हाजी बशीर साहब भी उधर और ये माशाल्लाह इधर, बहुत जबरदस्त टेस्ट यहाँ पर। तो दोस्तों हाजी बशीर और हाजी समीर की शॉप पर हमने जो है खाना लिया, बहुत टेस्टी रहा खाना और स्वीट भी बहुत अच्छी थी। तो चलिए अब चलते हैं वापसी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये हमारे बच्चे आए हैं माशाल्लाह, यहीं के रहने वाले हैं। तो ये पता कर रहे थे कौन सा चैनल है, शमीम व्लॉग्स। कौन सा? शमीम व्लॉग्स। यस शमीम व्लॉग्स, शमीम व्लॉग्स या। तो चलिए दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टॉप सीन है